गंगा नहीं था, वहाँ एक फैक्टर था और इससे फैक्ट्री वाक्या तो होता रही थोड़ा शहर के लिए बहुत बड़ी चीज़ वो सब खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गए आपस में, हर आदमी एक दूसरे को एक दूसरे से गले मिला और बिहार मुहबत की आपदा के लिए और शहर वासी है कि किसी मतलब एक अमन की और शांति देगी इसी तरह का कोई भेदभाव आपस में दुर्घटना करें और इसी पैसे को आगे बढ़ा दें और हर एक दूसरे से जो है प्यार मोहब्बत के पैगाम पहुँचा दें कि दुकानें खोलें, कि फैक्ट्री खोलें, कि कारखाने खोलें और जैसे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते वैसे मिले जुले यहाँ बिल्कुल शांति है, इसकी तरफ जा चुका है मुकम्मल शांति है, कोई भी चीज़ बीजेपी का एक डेलीगेशन गया था और आपके खिलाफ एक कंप्लेन दी उन्होंने, उनका कहना है कि जो आपके बयान थे वो थोड़े भड़काऊ बयान थे, उस पर क्या कहेंगे? भड़काऊ बयान वाले हमारे साथ जो है वाकई हादसा हमारे पर हमला किया गया तो क्या मैंने कोई भड़काऊ बात कर दी या मैंने तो उसी का बयान देकर के माफ कर दिया था, कभी इंसान है कभी गुस्से में तोला कभी माशा कभी छाई कभी जो भी तो इंसान में होता रहता है। मान रहे हैं कि गलत शांति के पैम पर मानते हैं कि गलत आपने थोड़ा बयान दिया, तो हमेशा अमन शांति के पैम पर रहे इन होते ही रहता है, तो कभी अगर दो शब्द मैंने आप ज्यादा कह दिए तो आप भाई हमारे और छोटे भाइयों को नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? ऐसे यही अपील है अमन की और शांति की, हम सब एक है, एक से एक है, हमेशा हमने सारे त्यौहार मिलजुल के मनाए, आगे भी वही मनाएंगे, हम सबसे मिलेंगे। ठीक वो एक गलत बात नहीं, मुझे लगा कि गुजरी में पुलिस क्यों छोड़ेगी, ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अब उससे मुताबिक जितने भी उनको कैसे चाहिए थे तकरीबन गिरफ्तारियाँ पूरी हो चुकी है, उम्मीद यही है कि आगे कोई गिरफ्तारी नहीं। ठीक है, धन्यवाद।